पाकिस्तानी न्यूज वालों को आपने भारत की तारीफ करते हुए तो देखा होगा, लेकिन उसी पाकिस्तान में हिंदू महिलाओं के साथ क्या सलूक किया जाता है, आज उसे सुनिए। जो पाकिस्तान अपनी आवाम को ऊंचा दिखाने और अन्य सभी धर्मों के लोगों को दबाने का काम करता है, उस पाकिस्तान के एक हत्याकांड ने जिसे सुनने के बाद सुनने वालों की रूह तक कांप जाएगी। लेकिन फिर भी ना ही इसका जिक्र पाकिस्तानी मीडिया और ना ही भारतीय मीडिया में हुआ। मानवता को शर्मसार करने वाली इस घटना को जिससे भी सुना वो पाकिस्तान में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार की क्रूर दास्ता को बया करती है। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के सिंझोरे शहर में बुधवार को एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहाँ एक 40 साल की हिंदू महिला की कथित तौर पर निर्ममता से हत्या कर दी गई है। इस महिला के साथ हुए इस दुष्कर्म को बताने में भी डर लग रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के इसी इलाके में बुधवार को एक हिंदू महिला को इस कदर हैवानियत के साथ मारा गया है। लेकिन ये मौत किसने की और किस वजह से की, उसकी जवाब पाकिस्तान पुलिस के पास नहीं है। बस मुखदर्शक बनी पाकिस्तान की पुलिस उस बर्बरता को बता रही है जिसे कोई हिंदू सुनना नहीं चाहता। जी हाँ दोस्तों, आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। दोस्तों आपको बता दें कि यह जानकारी हिंदू समुदाय से पाकिस्तान की पहली महिला सीनेटर कृष्णा कुमारी ने ट्वीट कर दी है। उन्होंने लिखा है कि 40 वर्षीय महिला का सिर काट दिया गया और उसके स्तन काट दिए गए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नेता ने कहा कि महिला के शरीर और चेहरे से चमड़ी तक उतार दी गई थी। मृतक महिला के 4 बच्चे हैं। उसकी पहचान दया भील के रूप में हुई है, जो सिंध के सिंझोरे की रहने वाली थी। कृष्णा कुमारी ने ट्वीट कर लिखा है कि दया भील नाम की 40 वर्षीय विधवा की बेरहमी से हत्या कर दी गई और सब बहुत बुरी हालत में मिला। उसका सिर धड़ से अलग कर दिया गया था, साथ ही दरिंदों ने पूरे सिर का मांस तक निकाल दिया था। आज उसके गांव का दौरा किया, वहां पर पुलिस टीमें पहुंची है। पीपीपी के जीएला अमर लाल भील ने दावा किया कि बुधवार को खेत में छत विछत शव मिला था और पुलिस ने महिला के परिवार से जानकारी जुटाई है। पीपीपी की नेता के अनुसार पोस्टमार्टम किया गया और आगे की जांच चल रही है। बता दें कि इससे पूर्व इसी साल मार्च के महीने में सिंध की एक 18 वर्षीय हिंदू महिला को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और सबको सड़क पर फेंक दिया गया था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक युवती की हत्या वाहिद बख्श लसारी उससे शादी करने से पहले उसको इस्लाम धर्म कबूल करवाना चाहता था। युवक युवती के घर में जबरदस्ती घुस गया और उसका अपहरण करने की कोशिश की। इसी बीच युवक ने युवती को निर्ममता से हत्या कर दी गई। लेकिन दोस्तों अब सवाल उठता है कि कब तक पाकिस्तान जैसे देश में हिंदुओं पर अत्याचार होता रहेगा, कब तक दया जैसी बहनें इन गंदी सोच का शिकार होती रहेगी। हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। गजेटा पोस्ट, नई दिल्ली।